पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौरी आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में होने वाले वार्षिक आयोजन की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में सभी को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, साथ ही बताया गया कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है, साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा जिसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। आयोजित बैठक में सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं, साथ ही कहा गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष भी धूमधाम के साथ बाबा नीम करौरी आश्रम ट्रस्ट का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। आयोजित बैठक में मुख्य रूप से राकेश गुप्ता, अनिल शर्मा, संदीप राज, हरिओम गुप्ता, ज्ञानेंद्र सैनी, अशोक सिंह, अश्वनी गुप्ता, प्रदीप कुमार, विकास गुप्ता, विवेक शर्मा, ठाकुर देशराज सिंह के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। आज श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम का जो कार्य चल रहा है, जो स्थापना मूर्तियों की स्थापना होगी 10 फरवरी से 15 फरवरी तक, उस विषय में आज चर्चा करी गई है। स्थान नीलकंठ स्वीट हाउस पे बुरट्टी रोड पे यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया। अच्छा, जो आगामी जो कार्यक्रम है, क्या इसके दिनांक पर कोई डिसीजन निकला है अभी? जो हर वर्ष की भांति जो हमारी डेट पड़ रही है, जो हम प्रोग्राम बाबा का करते आ रहे हैं हर वर्ष, वो 15 फरवरी निकल रही है। तो 15 फरवरी के विषय में ही आज हम लोगों ने आज उसी पे आज चर्चा करी है। सब लोग एकत्रित हुए हैं, उसी को लेके हमने आज सब रूपरेखा बनाई है, कैसे क्या करना है चर्चा रखी गई है कि उसका भी पालन कराया जाए कोविड को देखते हुए। और प्रशासन भी हमारा बहुत व्यस्त रहेगा, 14 फरवरी को चुनाव भी है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने उस पर चर्चा करी है। कुछ जिम्मेदारियाँ अपनी और कुछ लोगों को अपने आपस में भी बांटेंगे, उसी को लेकर प्रोग्राम को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम को हर 7वां प्रोग्राम इस वर्ष होने जा रहा है मुरादाबाद के अंदर, तो बाबा का ये डेट हम आगे पीछे भी नहीं कर सकते। इतना कर सकते हैं कि कम संख्या में इसको हम पालन करें, कोविड को देखते हुए उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सब चर्चा करी है, उसी को रूपरेखा बना रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।